हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 हीरो एक्सपल्स 200 T4V। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की जो टॉप स्पीड टेस्ट है, फिर गियर वाइज पर गियर वाइज कितना टॉप स्पीड अचीव कर सकती है वो मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये टेस्ट पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, अगर कोई भी आप हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर मतलब टॉप स्पीड पे जाने से पहले इसके जो शॉर्ट वॉक अराउंड है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले प्राइस बता दूं, 161,180 रुपीस अप्रॉक्सिमेटली आप लोगों को वेस्ट बंगाल में देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए अगर आप लोग कृष्णनगर में रहते हैं या आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रंट में आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है। देन 100/80 सेक्शन के टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, सिंगल चैनल एबीएस, 276 mm की यहां पर पेडल डिस्क आपको मिल रही है, टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। देन अगर आप लोग इंजन देखते हैं तो यहां पर आपको स्टार्ट मिल रही है 200 सीसी की इंजन होने के बाद भी 199.6 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। बाकी ये 4V है जिसकी स्टिकरिंग आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। साथ ही यहां पर आप लोगों को 19 या फिर आप कह सकते हैं 18.9 पीएस की मैक्स पावर और 17.35 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहां पर देखने में मिल जाती है। अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी दोस्तों 2V से जब 4V में आई है तो बेसिक जो सेंस है वो भी बढ़िया, आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल बताइएगा। टेल लैम्प, देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो भी आप लोग को एलईडी की ही मिल रही है। 130/70 सेक्शन की टायर है विद 17 इंचेज ऑफ अलॉय व्हील, बाकी रेडियल है। देन 220mm की डिस्क आपको मिल रही है और यहाँ पर आप लोगों को जो मोनोस्ट्रो सस्पेंशन है वो तो मिल ही रही है। देन यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल मिल रही है, टर्न बटन नेविगेशन और कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह भी अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। देन यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, वो भी आप यहां पर पोर्ट देख पा रहे हैं। देन ये E20 कंप्लायंट इंजन तो है ही, तो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है। अगर आप 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ इंडियन मार्केट में कभी अगर फ्लेक्स फ्यूल आती है तो उसके साथ भी ये जो इंजन है आराम से रन करने के लिए रेडी है। ओवरऑल वेट अगर आप लोग देखते हैं तो करीबन 155 किलोग्राम की बनती है 795 mm यहां पर सीट हाइट के साथ। तो दोस्तों यहां पर मैंने पूरी तरीके से बाइक के बारे में आप लोगों को बता दिया और चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर। देन टॉप स्पीड जो टेस्ट है वो मैं आप लोगों को करके बता दूं। तो चलिए दोस्तों टॉप स्पीड टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट गियर पे रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है, इट्स टाइम फॉर नाउ 0 to 100। काफी क्विकली अचीव कर लेती है ये तो मानना होगा। और 112-113 तक पहुंच चुके हम लोग, स्टेबिलिटी का नो इशू। लेट्स सी रास्ता हमें जहां तक परमिट करे। 118, 19, 20 ये 119 पे जाके रुक गई है। बाकी बिल्कुल ही फर्स्ट रन है, आप लोग अभी देख पा रहे हैं जस्ट 2 ही किलोमीटर ये चली है। अभी दोबारा इसकी और एक टेस्ट करेंगे, बट एक चीज कहना होगा, स्टेबिलिटी में नो इशू। वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा कोई यहां पर समझ में तो नहीं आ रही है। 120 तक गई थी आप लोगों ने देखा है अभी, और इसको हम लोगों ने करीबन ये 3 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है उसको भी कंप्लीट किया है। तो आप लोगों ने देखा है ये करीबन 120 किलोमीटर पर आर की जो टॉप स्पीड है वो भी यहाँ पर ले रही है। बाकी आशा है कि इससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेट्स सी। क्योंकि एक्सपल्स 204V जो है वो जब मैंने टेस्ट किया था वो करीबन 123-124 जा रही थी, तो उसी की वर्जन ये भी है। आप समझ सकते हैं एक्सपल्स ही है ये, और जस्ट यहाँ पर इसकी जो शक्लो सूरत है उसको बदल दी गई है। चलिए अब देख लेते हैं वक्त जाए किए बिना कि यहाँ पर आपको पर गियर टॉप स्पीड कितना मिल सकता है। और चलिए दोस्तों अब गियर वाइज कितना स्पीड ले सकते हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट गियर 41 तक फर्स्ट गियर में जा रही है, 63 तक सेकेंड गियर में जा रही है,
87 तक थर्ड गियर में। फोर्थ गियर में ये 110 पे लॉक हो चुकी है, लेस चेंज, देखते हैं। फिफ्थ गियर पे मैंने अभी इसको शिफ्ट कर दिया है, अब ये कितना स्पीड लेती है, लेट्स सी। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो विंड ब्लास्ट था ही, इस अटेम्प्ट में तो विंड ब्लास्ट और ज़्यादा है। आई डोंट नो कि कितना जाएगी, लेट्स सी। जहाँ तक रोड परमिट करे इसको हम खींचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। 113 तक जा चुकी है, 114, नाउ ये सेकेंड अटेम्प्ट है बिल्कुल ही, आप देख सकते हैं जस्ट 5 किलोमीटर चली हुई है। अगेन आई विल से कि वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबिलिटी में भी उतना ज़्यादा इशू मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए इस साइड तो मतलब वाह भाई वाह, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट, 115 के ऊपर ये जा ही नहीं पा रही है, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट है। अरे ये समझ में भी आ रही है, बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है आज। ये देखिए 116, इसको थोड़ा और खींचने की कोशिश करते हैं। 116 115 बस। ओह इसको भी हम लोगों ने करीबन 3.2 किलोमीटर्स तक का रन अभी यहाँ पर किया है, तो ये आप लोगों ने देखा है दोस्तों, मतलब यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में करीबन 120 किलोमीटर्स पर आर तक की गई थी और अभी करीबन 115-116 तक ये जा रही है। तो चलिए दोस्तों अब कंक्लूजन पे चलते हैं और बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। और दोस्तों अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, जब मैंने एक्सपल्स 204V को टेस्ट किया था तो करीबन वो एक 123 किलोमीटर पर आ तक की टॉप स्पीड अचीव कर पाई थी, लेकिन जब मैं ये 200T4V वाली मॉडल टेस्ट की, अभी जब मैंने टेस्ट किया तो 120 किलोमीटर तक की मैक्स जा पा रही थी। तो आप कह सकते हैं कि ये केपेबल है कि अगर विंड ब्लास्ट कम हो, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा थी और अगर आपकी वेट अराउंड 60-65 किलोग्राम तक की है, ठीक है, और वही अगर आप लोग इंजन को मतलब दो सर्विस कर लेते हैं, मतलब 600-800 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी होती है, तो केपेबल है कि ये 125 किलोमीटर तक भी शायद क्लॉक कर सके, ठीक है। तो अब दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये करके बता दिया, अगर आप लोगों ने BS6 मॉडल इसकी चलाई हुई है, चाहे ये 4V हो चाहे 2V, अगर आप लोगों ने इसे ज़्यादा अचीव किया हुआ है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। बाकी हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 200cc इंजन में अगर आपको एक फन टू राइड बाइक चाहिए थी, जहाँ पर आप लोगों को लो एंड टॉर्क ज़्यादा चाहिए, वो टॉर्क आपको फील होनी चाहिए, ठीक है, 80-90 किलोग्राम मतलब किलोमीटर तक की जो स्पीड है उसमें अगर आप चलाना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट वाइब्रेशन, तो ये जो गाड़ी है परफेक्ट गाड़ी आप लोगों के लिए महसूस हो सकती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जो स्पीड वगैरह की जो वीडियो होती है काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरी होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।